शहर में सड़कों व बाजारों में तो रौनक दिखने लगी है। वहीं अब जल्द ही इंदौर से विभिन्न प्रदेशों में शहर के लिए ट्रेनें दौड़ने लगेगी, जिसको लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने चर्चा की। सांसद लालवानी ने मीडिया को बताया कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के बाद की गई रेलगाड़ियों में से शहर अनलॉक होने के बाद अब कुछ गाड़ियां इंदौर से विभिन्न शहरों के लिए आगामी दिनों में दौड़ने लगेगी। सांसद लालवानी बोले कि इंदौर से मुंबई, दिल्ली, हावड़ा, पुणे, गांधीनगर के लिए कुछ रेलों की सहमति दी गई है। वहीं पटना और साउथ के लिए सांसद लालवानी ने दो गाड़ियों को और चलाने के लिए निवेदन किया है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री रेल मंत्री जी से बात हुई और उन्होंने इंदौर से लेके बम्बई, दिल्ली और हावड़ा, पूना, गांधीनगर जो शांति एक्सप्रेस है, इनकी सहमति दी है। और पर मैंने उनसे कहा है दो ट्रेनों की सहमति मैंने प्रारंभिक तौर पर कहा है, एक तो खास करके पटना के लिए लंबी दूरी गाड़ी और साउथ में त्रिवेंद्रम अहिल्या एक्सप्रेस के लिए, उस पर वो उनकी चर्चा चल रही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये 5-6 गाड़ियाँ तो प्रारंभ होने वाली है, उन 2-3 गाड़ियों के लिए भी शीघ्र निर्णय होगा।